व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग मेरा ये है कि ये देखिए, ये जा रही है मैरी वगैरह। तो हेलो, कैसे हैं? जब ठीक होंगे तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये मामा ने सूट सिलाई की है, तो आपने कमेंट में जरूर बताया तो नहीं कैसे है? नहीं, आपने तो नहीं बताया, रात तो हमने मतलब के बताया ही नहीं था। अच्छा, तो ये भी बस मैंने मैरी का सूट सिलाई किया था, जो मैंने दुपट्टे अपने लिए निकाले थे वो फिर मेरे नहीं बना था। मेरा भी सूट, और अब हम ट्यूशन जाएंगे मीरा। मतलब कि अभी उधर प्रॉपर ट्यूशन में हमने नहीं करवाया अभी बस, तो अभी ये जा रही हैं, जो उनको काम छुट्टियों का मिला हुआ है तो वो ये करने जा रही हैं। तो वो कुछ चीज़ें इनको समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो आपने दुआ में याद रखना कि मैं मतलब कि प्रॉपर भी इनको ट्यूशन में भी मतलब कि उधर करवा दूँ दाखिल, तो ये अपना तसल्ली से सुकून से पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं इनको करवाऊँगी बहुत जल्द आपकी दुआओं के साथ। तो दिया भी इधर खड़ी हुई है। हेलो व्यूअर्स, कैसे कैसे ठीक होंगे? सबसे पहले व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उधर भी जाए और हमें फॉलो करें। हम लोग रेडी हो रहे हैं कि हम लोगों ने उधर मामा की याद करने जाना। हाँ जी, तो उधर जाना है, मेरी दोस्त है, उधर ये जाएंगे, तो उधर हम लोग जाएंगे। तो भी बस वो दोस्त भी है, बहन भी बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब कि उनकी बेटी से मैसेज वगैरह हम पढ़वाते हैं, तो वो कह रही थी कि मेरे पास इतना मतलब कि टाइम नहीं होता, तो आप लोग इनको कहीं ट्यूशन पे करवाएं, कि इनको काम काफ़ी ज़्यादा मिला होता है तो फिर इनके लिए मुश्किल होती है काम करना। तो अभी बस अभी मैं इनको उधर छोड़ने जा रही हूँ। पतस भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, काफ़ी दूर है, पैदल ही जाना तो मतलब कि काफ़ी दूर है, तो इस वजह से अभी से निकलेंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो अभी हम जाएंगे उधर, तो फिर ये पढ़ 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 के आ जाएंगी, तो फिर भी शुक्र है कि याद कर लेंगी। तो आप लोगों ने दुआओं में हमें याद रखना है, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पतस इधर बाहर है, वो कबूतरों को बंद कर रहे थे, तो वो आते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ पतरस के साथ भी। तो पतरस इधर आ गए हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करते खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं। तो सुनाए, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने अभी कबूतर वगैरह बंद कर दिए हैं कि बिल्ली ना आ जाए। बिल्ली आप पहले 2-3-4 पकड़ के ले गई है, तो मेरे पास कम हो गए हैं, तो ये भी वो डर रहा है ना, ये भी ना पकड़ के ले जाए, इसलिए मैं उनको बंद करके आए। तो अभी हम उधर बच्चों को छोड़ेंगे, तो उसके बाद जो है कि थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो जिधर हम जा रहे हैं हम उनके साथ भी आपको मिलवाएंगे, आपने हमारे साथ यूँ ही बने रहना है, तो इसी तरह ही हमें सपोर्ट करते रहना। तो मिलते भी थोड़ी देर के बाद। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, हम लोग बच्चों को लेकर जा रहे हैं बाजी के घर, तो बाजी रहती है जहानाबाद में, हम लोग जहानाबाद में बाजी की तरफ, तो बच्चे पढ़ रहे हैं इधर, दुश्वाई पढ़ रही है। हेलो व्यूअर्स, क्या चल रहा है? तो जैसे कि हमने आपको बताया, ये देखिए मैं पढ़ रही है, ये पढ़ रही है सर, आप इनके पास पढ़ने के लिए है, तो इधर है दिया। हेलो व्यूअर्स, कैसे मुझे ठीक होंगे व्यूअर्स? ये देखें, मैं बाइबल का काम कर रही हूँ, बाइबल के नाम और ये कुछ याद करना है, तो फिर मैं पढ़ूँगी, ठीक है? ये बाजी हमें पढ़ाएंगी, तो फिर आपने मुझे गाँव में याद रखा है कि हमारे 2-3 को टेस्ट है, तो हम लोग टेस्ट अच्छे भी है। तो हम इधर पहुंच चुके हैं, तो मतलब सिस्टर ने बनाए थे करेले और दाल, तो उन्होंने पहले हमें खाना खिला दिया है, तो वो चाय बना रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज रजिया को हमने दोपहर को बुलाया था कि लंच हमारे घर में आपने करना है, क्योंकि बच्चे घर में सारे बात छुट्टी है, वो चाह रहे थे हम बाहर कहीं जाएं, तो मैंने इनको कहा कि आप हमारे घर में आए, तो आज खाना मिलके बैठ के खाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो रजिया ने आज मेरे साथ एक बात शेयर की है, वो कह रही है कि मतलब कि मैं ना ये यूट्यूब चैनल बंद करना चाह रही हूँ। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये इसे ज़रा बताएं कमेंट में, ये बंद करें या वीडियो बनाएं। तो अभी बस आप लोगों ने बताना है कि रजिया चैनल को ब्लॉक कर दे, बस इस वजह से मैं आगे वीडियो डाल दे, इसके कर रही हूँ कि यकीन
माने, कोई अच्छे व्यू नहीं आ रहे, कोई मतलब के वीडियो कितना में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इतनी मेहनत भी हम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने मतलब से बात अभी शेयर नहीं की थी, तो मैंने पहले सिस्टर को बताया, तो वो तो मुझे कह रहे कि नहीं आपने हिम्मत नहीं हारनी, तो आप बनाए खुदा ज़रूर कामयाब करेगा। तो अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊं या बंद कर दूं, आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो जिस मतलब बच्ची से पढ़ रही है डीए वगैरह, ये जॉब करती है, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो मुश्किल से मेहरबानी के से इनकी छुट्टी है और ये प्यारी दीपा और प्रिया को बुला रहे हैं। आपने भाई और भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो अभी बस मैंने जो बात जो मेरे दिल में थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो अगला फैसला मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप क्या चाहते हैं ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मैं इधर आपको दिखाती हूँ सिस्टर का किचन, तो ये चाय बना रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लाइट ऑन करें, ये चाय बना रहे हैं। खाना हम आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि वो जब मैं आई थी तभी इन्होंने सारा मतलब खाना वगैरह लगा दिया था, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकी। तो मैं जो भी मेरे दिल में बात होती है मैं वो सिस्टर के साथ शेयर करती हूँ, तो वो फिर मुझे आगे बताते हैं कि क्या करना है। अभी आपने कमेंट में इनको बताना है कि ये वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, तो प्लीज़ इनके ज़रा तसल्ली दें कि हम आप हम लोग आपके साथ हैं। तो ये रज़िया बड़ी परेशान हुई हुई है कि नहीं मैंने नहीं वीडियो बनानी, लेकिन आज मैंने इनको बोला नहीं आप बनाएं, आप व्यूवर से पूछें कि वो कमेंट में क्या बताते हैं आपको। हाँ जी, तो इनसे पूछ लेनी कि ज़बानी कि हम कितनी दूर से इनके घर पे आते हैं, ये मैसेज वगैरह। हाँ जी, ये पैदल चल के इधर आते हैं बच्चों को साथ लेके कमेंट के लिए और वीडियो को डाउनलोड करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो प्लीज़ आप इनको बताएं कि आपने बताना है तो इनको तसल्ली होनी है, तो आपने कमेंट में बताना है ये क्या करें, वीडियो बनाना बंद करें या के बनाएं। तो व्यूअर्स मैंने जो भी बात मेरे दिल में थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये इनका कमरा है, कमरा भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लाइट ऑन कर लूँ ज़रा। ये इनका कमरा है छोटा सा, और ये देखिए इन्होंने अंदर ही सारी बारी जो है द्वार में फिक्स करवाई हुई है, ये देखें कितनी प्यारी पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग भी इन्होंने अपने बेड के ऊपर बनवाई है, और ये रूम तो देख ही ली है। तो इनके पास एक बहुत ही प्यारा मैक्स भी है, वो मैक्स इधर सो रहा है, मैक्स तो मैं आपको मैक्स भी दिखाती हूँ, मैक्स मैक्स आओ, ये देखें जी, ये इसका नाम मैक्स है, ये नीचे ये देखें। तो आपने बताना है कि मैंने मैक्स कैसा है, और मेरी भी चाह रही है इस तरह का मतलब के डॉग रखने का, वो शौक रखती है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये मैक्स आपको कैसा लगा, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है, तो खुदा को काम इसी सेहत दे, बहुत प्यारा है। तो बाकी लोगों से मैंने आपको मिलवा दी है, तो जो बच्ची मैसेज वगैरह पढ़ती है उसकी ज़रा थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसके गले में थोड़ी पेन हो रही है, कल उसने जो है बर्फ़ जो मतलब के आम दुकानों पे बिकती है वो बर्फ़ वाला पानी पी लिया था, तो उसका गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो आप लोगों ने उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी, क्योंकि वो बच्ची हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हमारे मैसेज वगैरह सारे जो पढ़ती भी है, आप लोगों को वो जवाब भी देती है, तो आप लोगों ने उसको दुआ में ज़रूर याद रखना है। तो आज का व्लॉग मैंने आप पे छोड़ दिया व्यूवर्स, आपने फ़ैसला करके मुझे बताना है, तो नहीं तो मैंने जो फ़ैसला लिया है फिर मैं वही करूँगी, तो बाकी बात आप पत्र से करें। तो हेलो व्यूवर्स, तो आप लोगों ने बताना है ये फ़ैसला आप पे छोड़ दिया है कि रज़िया आगे व्लॉग बनाए या फिर चैनल को बंद कर, तो वो इसलिए कि हम लोग पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं जो इस पे पैकेज लगता है, किसी टाइम हाँ जी नहीं भी होते नहीं तो होते, तो फिर हमें इतनी दूर आना पड़ता है इधर वीडियो अपलोड करने के लिए, तो अब हम क्या आपको बताएं, जो भी बात हमारे पास सच होता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कितने दिनों से इधर आ रहे हैं हम लोग वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते, तो जो 400 रुपए का इस पे पैकेज 400 रुपए का पैकेज लगता है वो भी एक हफ्ता पूरा भी नहीं चलता, पूरा भी नहीं चलता। तो आपको पता है कि रेंट पे रहना, उसके बाद बिजली का बिल आया हुआ है, उसके बाद घर में गैस नहीं है, ये चीज़ें सारी चीज़ों को देख के हमने चलना है,
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल अपना चलाऊं तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अगर आप नहीं चाहते तो आज मुझे कमेंट में आपने बताना है, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो आज का मेरा छोटा सा व्लॉग था, तो आपको पसंद आए तो अपने लाइक शेयर और कमेंट्स करना है। तो जो बहन भाई चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और मैसेज का आपके इंतज़ार करेंगे। हाँ जी, तो एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब के लिए नया व्लॉग तब बनेगा जब आप लोग मुझे बताएंगे। तब के लिए खुदा हाफिज़।